हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाएंगे मैंगो कस्टर्ड, जिसके लिए हमने लिया है आधा लीटर दूध, ये मैंगो पल्प, दो चम्मच कस्टर्ड पाउडर, आप किसी भी ब्रांड का ले लीजिए, दो टेबलस्पून शुगर, थोड़े से नट्स, मैंगो बारीक चॉप किए हुए, और गार्निशिंग के लिए ये अनार के दाने, और ये ली है हमने इलायची पाउडर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हमने आधा लीटर दूध को देख, ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये आधा लीटर दूध लिया था जिसको हमने गैस पे गर्म होने रखा था। इसमें एक उबाल आ चुका है और अब हम ये देखिए दो चम्मच कस्टर्ड पाउडर है, मैं इसमें रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ दूध डालकर इसका एक पेस्ट बनाऊंगी। दूध आप थोड़ा थोड़ा डालिए, कहीं इसके लम्स ना पड़ जाएं। ये देखिए, मैं इस तरह से मैंने ये पेस्ट सा बना लिया है। इसको अच्छी तरह से चला लीजिए, लम्स नहीं होने चाहिए इसमें। अब हम ये दूध में डाल देंगे और 3 से 4 मिनट तक के लिए दूध को पकने के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट हो गए हैं, 2 मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे शुगर। 2 टेबलस्पून मैंने शुगर डाली है। शुगर की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लीजिए, कोई ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है। इसको 2 मिनट के लिए पकने छोड़ दूंगी। 4 मिनट हो गए हैं, ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ठीक हो गई है। मैं गैस बंद कर रही हूँ। अब हम इसे पहले रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे, फिर फ्रिज में 2-3 घंटे के लिए चिल्ड होने के लिए रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, 2 घंटे हो गए हैं, हमारा कस्टर्ड अच्छे से चिल हो गया है और इसकी कंसिस्टेंसी भी थिक हो गई है। अब हम ग्लास में इसकी लेयरिंग करते हैं। ये मैंने एक ग्लास लिया है, इसमें हम डाल रहे हैं कस्टर्ड ये मैंने लिया है मैंगो पल्प, एक लेयर इसकी, एक लेयर इसकी डाल दी है हमने। फिर से हम कस्टर्ड डालेंगे इस पर, ये इस तरह से हमें डालना है। ये जो मैंगो मैंने चॉप करके रखे थे ये डालेंगे, थोड़े से अनार गार्निशिंग के लिए, इलायची पाउडर, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और लास्ट में थोड़े से नट्स, बादाम, काजू, जो भी आपके पास हो आप वो ले लीजिए। ये देखिए तैयार है हमारा लेयर मैंगो क्रिस्टल। फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर बनाइए, मैंगो कस्टर्ड खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, और बेल का आइकन को दबाना मत भूलियो मेरी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।